दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ये ना कहा जाए कि पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं, मुसलमान आज से कुर्बानी नहीं दे रहा राष्ट्र के कार्यों में। आज़ाद देश के होने में हमारे 450 आलिमों ने तो सूली पर चढ़कर अपनी जान दे दी है, अपना खून दिया है, तब जाकर हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है। कई सैनिक आज भी सेना पर शहीद हो रहे हैं। अब हमारी मानसिकता ये बन चुकी है कि जो दिखाया जाए या जो फेमस किया जाए वही बलिदान। नहीं नहीं, कई बलिदान ऐसे भी धरती के पुत्र दे रहे हैं, मुसलमान आज भी दे रहे हैं, जिनको दिखाया नहीं जाता, मगर मुसलमान के खून में वफादारी है, गद्दारी नहीं। मुसलमान आज़ादी के दौर से लेकर आज तक वतन के हित में काम करता है, वतन के लिए जान दे भी सकता है, और जब वतन खतरे में आए तो आंदोलन करके वतन का वकार बचा भी सकता है। हमें रावण रूपी दीप जलाकर सत्ता पर राज करने से कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया ही जब विरोध कर रही है तो दुनिया वाले पागल तो है नहीं जो विरोध कर रहे हैं। एक ही आदमी पढ़ा लिखा और सब अनपढ़ हो जाए पूरी दुनिया, ये हो नहीं सकता। उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हर किसी को मालूम है कि CAA का मतलब क्या है, NRC का मतलब क्या है। प्रजा इसीलिए विरोध कर रही है कि लिखते कुछ है, बोलते कुछ है, बिल पास कुछ और हो रहा है। अगर कोई ये कहता है कि हम पीछे हटने वाले नहीं, हम करने वाले नहीं, तो देखिए अंग्रेजों का भी यही कहना था कि हम भारत से हिलेंगे नहीं, मगर जो रास्ता आज हम भारतवासियों ने प्रोटेस्ट का अपनाया है, जो शांतिपूर्ण, मगर ये इतनी शांति है कि ये सैलाब की तरह काम करने वाली है। कोई कार्य ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर पाए या नहीं हो पाए। देश चलता है प्रजा से, न कि नेता से। प्रजा जनता चाहेगी वैसा देश चलेगा, और हमारी भारत की जनता चाहती है कि हमें रोजगारी दिलाइए भाई, वो कहाँ है, कारोबार दिलाइए वो कहाँ है, गरीबी दूर कीजिए, महंगाई। नेता का काम है ये सब परेशानियों में हल करना, उनकी मदद करना, न कि ये काम करना कि प्रजा खंडित हो जाए। संकीर्णता, राष्ट्रीयता, घृणात्मक राजनीति, ये सब नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत, एक एक व्यक्ति भारत का चाहता है कि हम मिलके रहे, ये सब मसले हल हो जाएं और हम भाई भाई मिलकर रहे, और यही भारत से पहले से चला आ रहा है। अच्छे से अच्छे शासक आए, चले गए राज करके, मगर भारत की एकता को खंडित कभी नहीं कर पाए और ना आगे भी कभी कर पाएंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।